जय सरना, जय चाला। आज रांची बिरला बोर्डिंग में जो घर पूजा है, और ये घर पूजा एक तरह से कहा जाए तो घर का शादी। आज हमारे समाज में एक अच्छा माहौल और सुंदर माहौल तैयार करने के लिए जगह 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 गली गली में जो प्रार्थना विनती भजन हो रहा है, सरना धर्म का और सरना पूजा का, और सरना जो विश्वासी है उनके अंदर में एक अच्छा सोच अच्छा विचार हो, इसके लिए यहाँ पर हमारे माँ जी हैं, उनके घर में आज घर का गृह प्रवेश जो बोलते हैं वो, और यहाँ कितने दिनों से कर रही है पर फिर भी पता नहीं था, लेकिन आज ये माँ आज अपने घर में पूजा करा रही है, प्रार्थना करा रही है। और क्या नाम है तो सर? अच्छा, और कितना दिन लगभग कर लगा इसने? देखिए दोस्तों, ये है अभी तक ये बचपन से सरना में इसका मतलब लगाव था, जुड़ाव था। बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां आने के बाद में भी ये कभी विचलित नहीं हुई और अभी भी यहीं पर है। लेकिन इस वीडियो को जो देखेंगे उससे मैं चाहूँगा कि इसी तरह से हमारे समाज को होना चाहिए था, पर हमारे समाज में नेतृत्व करता एक बेहतरीन तरह से नेतृत्व नहीं कर पाए, जिसके वजह से समाज में हम लोग अन्य समाज की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया। तो हमारे यहाँ पर जो राजा बिरला हॉस्टल के हमारे जो खद्दू राव हैं उनसे भी चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से माहौल है आसपास में, और अपने हॉस्टल में किस तरह से माहौल है, और घर में जो हो रहा है इसके प्रति थोड़ा अपना दो शब्द विचार डालें। सबको जय धर्म। जय धर्म। सरना धर्म के प्रति आज रांची में हर तरह माहौल है, और हर युवा आजकल सबको जागरूक हो गए हैं, और इसके प्रति हर तरह एक मैसेज की तरह फैलते जा रहे हैं, और सभी को इस सरना धर्म की ओर अपने को अधिक कर रहे हैं। और हमारे छात्रावास में भी हर साल 7 दिसंबर को सरना धर्म झंडा स्थापना दिवस मनाते हैं बड़े धूमधाम से, और बहुत अलग हर जगह से एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं जो सरना धर्म को मानते हैं, और उनको हम लोग बुलाते हैं, और सभी छात्र एक होकर खूब अच्छे से मनाते हैं। और अगल बगल में भी इस हम लोग को देखकर बहुत प्रेरित होते हैं, इससे हम लोग जान के बहुत बेहद ही खुशी मिलती है, और इस माहौल को इसी तरह हम लोग बना के रखें, इसी तरह सबको जोड़ के रखें, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं। इसी महीने 7 तारीख को राजा बिरला जो हॉस्टल है, यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं, और यहाँ पर जो हॉस्टल में भी एक अच्छा अपना सरना समाज के प्रति विचार रखते हैं, और प्रत्येक साल 7 तारीख को दिसंबर के महीने में होता है, और इस बार भी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जरूर आइए, और जो लड़का लोग हैं इनका मार्गदर्शन किए और इनका हौसला बढ़ाइए, और अपने समाज के लिए एक ऐसा समाज का निर्माण करना है, ताकि छोटे बड़े स्त्री पुरुष या लड़का लड़की सारे लोग, चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं है, सारे लोग हम लोग एक मिल के सुंदर समाज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग अनादि प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। प्रार्थना करने से पहले हम सभी से चाहेंगे कि अपना आँख को बंद कर ले और हाथ जोड़िए, और अभी हम लोग सर्वशक्तिमान धर्मेश, सर्वशक्तिमान जो चाला माँ हैं उनका हम लोग अनादि प्रार्थना कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें अपने माँ से दिल से कनेक्ट हो, और माँ से हम अर्ज और विनती करते हुए सोचेंगे कि यहाँ पर जो जिस उद्देश्य के साथ में यहाँ आज गृह प्रवेश और घर पूजा किया जा रहा है वो बिल्कुल सफल हो। हम हमारे आदरणीय शक्ति सर्वशक्तिमान है धर्मेश और चाला माँ, उनसे मैं अनादि प्रार्थना के माध्यम से हम लोग सारे मिल के याद कर रहे हैं, और उनका घर में खुशहाली हो, अच्छा हो। तो हम लोग चलिए एक बार धरती माँ को प्रणाम करेंगे, फिर शुरू करेंगे। मुझे ना
जय धर्मेश।